यस गाइस, ट्रिपल स्टार कैटेगरी क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम्स में दिखता है ऐसा क्वेश्चन. कहता साइन टू ए इक्वल्स लैम्डा साइन टू बी, प्रूव दैट टेन ए प्लस बी ओवर टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू लैम्डा प्लस वन अपॉन लैम्डा माइनस वन. अगर आप नोटिस करो ये देखते कुछ घंटी बजी दिमाग में, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो. तो क्या मेरा बच्चा मैं यहां पे लिख सकता हूं साइन टू ए अपॉन साइन टू बी इज इक्वल टू लैम्डा. क्या स्टेप समझ आया? और अगर इधर लैम्डा है तो नीचे कुछ नहीं है तो मतलब वन है. हाँ, अगर नीचे वन है तो अब मैं लगा सकता हूं सी एन डी. क्या लगा सकता हूं? सी एन डी. तो अप्लाई सी एन डी. तो ये बना लैम्डा प्लस वन अपॉन, और यहां बन गया साइन टू ए प्लस साइन टू बी अपॉन साइन टू ए माइनस साइन टू बी. क्या स्टेप समझ आया सबको? क्या मेरा आरएचएस का और प्रूफ का आरएचएस बन चुका है? क्या नहीं बना अभी तक? एलएचएस. तो लेट्स फॉर्म इट. साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला याद है? साइन सी प्लस साइन डी यहां लिखा है यार. पहला फॉर्मूला टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस, तो ये बना टू साइन सी प्लस डी बाई टू, टू ए प्लस टू बी बाय टू. क्या आया? ए प्लस बी. सब एग्री करते हो? इंटू साइन कॉस सी माइनस डी बाई टू, टू ए माइनस टू बी बाय टू मतलब ए माइनस बी बाय टू, सॉरी टू ए माइनस टू बी बाय टू तो ए माइनस बी. क्या यहां तक आया? अपॉन साइन सी माइनस साइन डी, इसमें कॉस आगे आ जाता है और साइन पीछे चला जाता है. क्या यही बात है? बोलो. इज इक्वल टू लैम्डा प्लस वन अपॉन लैम्डा, टू से टू कट गया. अच्छा बताओ व्हाट इज साइन अपॉन कॉस? टेन ए प्लस बी. एंड व्हाट इज कॉस अपॉन साइन? कॉट ए माइनस बी, या उल्टा लिखो वन बाय. वेरी गुड. तो ये बन गया नीचे टेन ए माइनस बी विच इज लैम्डा प्लस वन अपॉन. यही हमें प्रूफ करना था. समझ आ रहा है? कनेक्ट करना. मेरे को मेरे प्रूफ ने बताया भाई कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओ. अंडरस्टूड भाई साहब? करिए नोट.